दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के कुछ मिलीसेकंड्स में हम एक चमकदार गर्म प्लाज्मा की बॉल नजर आएगी, जिसका तापमान सूरज के कोर जितना गर्म होगा और इससे निकलने वाली रोशनी इतनी तेज होगी कि अगर आप इसकी तरफ देख लें तो ये आपको कई घंटों के लिए अंधा कर देगी। इस प्लाज्मा बॉल के अंदर आने वाली हर चीज तुरंत जलकर भाप बन जाएगी। बॉम्ब के फटने से पैदा हुए थर्मल पल्स की वजह से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज में आग लग जाएगी। इस भयंकर विस्फोट की वजह से इससे गर्म शॉकवेव पैदा होगी, जिसकी रफ्तार ध्वनि की गति से भी तेज होगी। ये शॉकवेव 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली इमारतों को ध्वस्त कर देगी। इस विस्फोट को झेलना सारी प्राकृतिक आपदाओं को एक साथ झेलने जैसा होगा और इसके बाद शुरू होगी असली तबाही, क्योंकि अब तक आसमान में चारों तरफ रेडियोएक्टिव बादल फैल जाएंगे जो जमीन पर मौजूद हर चीज को रेडियोएक्टिव बना देंगे। रेडिएशन की डोज के हिसाब से समय के साथ लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। बचे हुए लोगों के पास ना ही खाना होगा और ना ही पानी, और इन लोगों की मदद करने के लिए भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इन्हें रेस्क्यू करने वाले लोगों को भी हाई रेडिएशन का खतरा होगा और जिन लोगों को बचा लिया जाएगा वो कुछ साल में ल्यूकेमिया से धीरे धीरे मरने लगेंगे। रेडिएशन की वजह से लोगों के डीएनए में विकार होंगे, जिसका खामियाजा आने वाली जनरेशन को भी भुगतना पड़ेगा।